टच स्क्रीन का सिलसिला शुरू हुआ था मोबाइल फोन्स के साथ और अब ये पहुंच गया है गाड़ियों तक। ज्यादातर नई गाड़ियां चाहे छोटी हो या बड़ी अब एक टच स्क्रीन के साथ आती हैं। पर क्या ये फीचर इतना इम्पोर्टेंट है या फिर आप इसके बिना भी काम चला सकते हैं? चलिए जानते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स पर एक नजर डाल के। शुरू करते हैं फायदों के साथ। एक साफ सुथरा घर जिसमें हर चीज अपनी जगह पर रखी हो सबको पसंद आता है, तो ये फंडा गाड़ियों में क्यों नहीं। एक टचस्क्रीन की मदद से कार मेकर्स डैशबोर्ड पर दिए गए ढेर सारे कंट्रोल्स को एक जगह पर इकट्ठा कर पाते हैं। जब इतने सारे बटन्स डैशबोर्ड से हट जाते हैं तो डिजाइनर्स एक बेहतर और ज्यादा क्लीन डैशबोर्ड डिजाइन कर पाते हैं। जब सारे बटन्स हटाकर एक टचस्क्रीन दे दिया जाता है तो फिर सारे फंक्शंस को भी एक ही पॉइंट से एक्सेस किया जा सकता है। हाँ, अगर वॉइस कमांड्स का कन्वीनियंस हो तो ड्राइव करते समय टचस्क्रीन के फंक्शंस को मैनेज करने में और भी आसानी होती है। सिंपली वॉइस असिस्टेंट का बटन दबाएं और म्यूजिक, नेविगेशन, फोन कॉल या एसी कंट्रोल भी आराम से मैनेज कर लीजिए। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजीज एक नए सेट ऑफ फीचर्स हैं जो काफी पॉपुलर साबित हो रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी को आप तक पहुंचाने में टचस्क्रीन का एक अहम रोल होता है। जियो फेंसिंग, एडवांस मैप्स, लाइव वेदर अपडेट्स या फिर कार की हेल्थ जैसे फीचर्स को या तो आप अपनी कार के टचस्क्रीन पर एक्सेस कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल स्क्रीन पर। टचस्क्रीन के माध्यम से आप अपने गाड़ी के काफी सारे पहलू और अच्छे से समझ सकते हैं। पहले यह इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की MID तक सीमित होती थी, पर वो स्क्रीन काफी छोटी होती है और इन डेप्थ डेटा दिखाना यहाँ मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा दरवाजा खुला है, कौन से टायर में प्रेशर ज्यादा या कम है, किसका फोन आ रहा है, कौन सा गाना चल रहा है, गाड़ी की सर्विसिंग में कितना टाइम या कितने किलोमीटर्स बचे हैं, पावर ट्रेन सेटअप कम्फर्ट के लिए है या स्पोर्टी परफॉर्मेंस के लिए, ये सब चीजें आप एक टच स्क्रीन पर और ज्यादा आसानी से देख सकते हैं। आपके डैशबोर्ड से पहले टचस्क्रीन महंगी गाड़ियों के सेकंड या थर्ड रो में पाई गई थी। ये इसलिए क्योंकि ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा है तो पीछे वाले बोर क्यों हो। किया कार्निवल जैसे गाड़ियों में ये फीचर आपको आज भी देखने को मिलेगा। और तो और, एक बजट कार में भी अगर आपको ये फीचर चाहिए तो आफ्टर मार्केट से आप आराम से लगवा सकते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि एक ही टचस्क्रीन दो चीजें दिखा सकती है डिपेंडिंग कि आप गाड़ी में कहां बैठे हैं। ड्राइवर को नेविगेशन दिख रहा होगा और साथ ही साथ फ्रंट पैसेंजर लाइव टीवी के मजे ले सकता है। अब एक नजर डालते हैं टचस्क्रीन के प्रॉब्लम्स पर। ये बात तो सही है कि टचस्क्रीन की मदद से आज आप काफी फीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ड्राइव करते समय इन अलग अलग फीचर्स के अलग अलग डिस्प्लेज में आगे पीछे करना खतरनाक साबित हो सकता है। After all, ये आपकी नजर रस्ते से हटा देते हैं और ऐसे ही डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए तो ड्राइव करते समय फोन का इस्तेमाल गैर कानूनी है। इसका साफ शब्दों में अर्थ हुआ कि ड्राइवर अपने ड्राइविंग के काम से डिस्ट्रैक्ट होता है, जो कि एक्सीडेंट होने का एक काफी बड़ा कारण होता है। कुछ टच स्क्रीन को बंद करने का ऑप्शन ही नहीं आता है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है अगर आप रात को ड्राइव करते हैं। एम्बिएंट लाइटिंग की कमी की वजह से टचस्क्रीन की रोशनी आपकी आंखों पर जोर डालती है और उन्हें जल्दी से थका देती है। सब लोगों को टचस्क्रीन चाहिए, इसलिए आप देखेंगे कि छोटी गाड़ियों में भी आजकल टचस्क्रीन्स मिल जाते हैं। दिक्कत यह है कि कई बार ये टचस्क्रीन्स हैंग होते हैं या इनकी परफॉर्मेंस बहुत स्लो होती है, और ये प्रॉब्लम महंगे गाड़ियों के टचस्क्रीन्स में भी देखा गया है। आम बटन हो तो एक बटन एक काम करता है और वो भी झट से। बेचारे टचस्क्रीन्स की जिम्मेदारियां हजार होती हैं, तो प्रोसेसर अच्छा ना हो तो ये बेसिक से बेसिक काम करने में भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें टचस्क्रीन से कुछ खास लगाव नहीं होता। उनका काम ब्लूटूथ ऑक्स USB सिस्टम में ही निपट जाता है और बेसिक बट इफेक्टिव सिस्टम्स के साथ वो खुश है। कई बार ऐसे बायर्स गाड़ी के हायर वेरिएंट को खरीदना चाहते हैं जिसमें क्रूज कंट्रोल, प्रोजेक्टर हेडलाइट, पुश बटन स्टार्ट या एलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स उनको आकर्षित करते हैं। पर आजकल मिड रेंज मॉडल से ही टच स्क्रीन स्टैंडर्ड हो जाते हैं और ये स्क्रीन्स अपने आप से गाड़ी की कीमत को हजारों रुपए से बढ़ा देते हैं।
तो टच स्क्रीन ना भी चाहो तो दूसरे फीचर्स की चाहत में कुछ लोगों को इस फीचर के बदौलत अपना बजट जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ता है। तो ये थे टच स्क्रीन के प्रोज एंड कॉन्स। इस लिस्ट में आप और क्या जोड़ते लिखिए कॉमेंट्स में। वीडियो पसंद आया हो तो कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, और बहुत पसंद आया हो तो शेयर भी जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।